वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत लोगों की कंफ्यूजन दूर करेगी। जितने भी यंग लोग मुझे मैसेज करते हैं कंसल्टेशन के लिए, उनमें से 90% लोगों की सिर्फ एक यही क्वेरी होती है कि क्या हमारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं। गवर्नमेंट जॉब इंडिया में अभी भी सबसे ज़्यादा सिक्योर और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल जॉब मानी जाती है। चाहे एक इंसान अपने खुद के बिजनेस में महीने के लाखों कमा रहा हो, लेकिन फिर भी अगर उसके रिश्तेदारों में किसी इंसान की गवर्नमेंट जॉब है तो उसको उसके बराबर रिस्पेक्ट नहीं मिलती। हम लोग आज भी गवर्नमेंट जॉब को, चाहे वो कोई भी पोस्ट हो, कोई भी ओहदा हो, उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल और सिक्योर जॉब समझते हैं। तो आज की वीडियो में 3 पार्ट्स में मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया है। पहले हम देखेंगे वो एकदम 100% कौन से साइन होते हैं हाथ में, जिससे हम देख सकते हैं कि इंसान की गवर्नमेंट जॉब लगने के पूरे पूरे योग हैं। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि अगर उसके योग हैं या नहीं, फिर भी क्या वो इंसान उतनी मेहनत कर सकता है कि उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तीसरा पार्ट में मैं एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिससे अगर आपके कोई भी योग नहीं है हाथ में, उसके बाद भी अगर आप इस एक रेमेडी को करेंगे तो आपके जो योग हैं वो हाथ में अपने आप बनना स्टार्ट हो जाते हैं और गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1, जिसमें हम बात करेंगे उन सारे साइंस की हाथ में, जिससे हमको पता चल जाता है कि इंसान की गवर्नमेंट जॉब लगेगी, इसके 100% चांसेस हैं। सबसे पहले ये आपका हाथ समझिए, ये आपका एक हाथ है। इसके अंदर ये होती है सन की फिंगर, और इस सन की फिंगर के नीचे ही होता है सन का माउंट, सूर्य का पर्वत। सबसे पहले जो 100% श्योरिटी के साइन हैं वो आपको इसी एरिया पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप सन की फिंगर को देखिए, इसके बीच में इस तरीके से उंगली पे, जो उंगली का टिप होता है, उस पे एक ऐसा घेरा बना हुआ होता है। उस घेरे का एक सेंटर पॉइंट होता है। उस सेंटर पॉइंट से आप एक सीधी लाइन खींचिए सूर्य के पर्वत तक। सूर्य के पर्वत पे भी एक गोला और चक्र बन रहा होता है, जहां पे सारी लाइनें आके मिलती हैं, जो एक मेन पॉइंट होता है पर्वत के स्टार्ट का। क्या ये दोनों पॉइंट के बीच की जो लाइन है वो एकदम सीधी है या टेढ़ी आ रही है? अगर ये लाइन पूरी तरीके से सीधी है, इसका मतलब आपका सूर्य बहुत मजबूत है और आप सरकार से लाभ उठा सकते हैं। सरकार से लाभ उठाने का मतलब, अगर आप बिजनेस की फील्ड में हैं तो आपके जो क्लाइंट्स होंगे वो ज़्यादातर गवर्नमेंट से रिलेटेड क्लाइंट्स होंगे। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपकी जॉब सरकारी होगी। ये है पहला चिन्ह। दूसरा, आपका जो सूर्य का पर्वत है वो उठा होना चाहिए, थोड़ा सा उठा हुआ, और उसके ऊपर एक ये रेखा होनी चाहिए। अगर ये रेखा बहुत लंबी हो, नीचे तक आ रही हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर ये छोटी सी भी एक स्पष्ट रेखा हो, ना तो कटी हुई हो, ना इसके ऊपर कोई गलत साइन हो, ना तो इसके ऊपर कोई आइलैंड बन रहा हो, ना क्रॉस हो, बस एक सीधी एक लाइन हो और पर्वत उठा हुआ हो, तो ये एक इंडिकेशन है इंसान की सरकारी जॉब लग सकती है। और अगर वो जॉब नहीं चाहता है सरकारी, तो उसके बिजनेस में भी, जहाँ पे भी वो होगा, काफ़ी लीडरशिप, डोमिनेंट और अथॉरिटेटिव पोजिशन में होगा, उसके हाथ में पावर होगी। ये तीसरा हमारा साइन है, जो आपकी बुध की उंगली है, ये वाली। अगर ये बुध की उंगली आपकी लंबी है और जो सूर्य की उंगली है उसके पहले टिप तक पहुंच जा रही है इस तरीके से, तो ये एक श्योर शॉट साइन होता है इंसान की गवर्नमेंट जॉब लगने का। ये तो हो गया हमारा पहला भाग, जिसमें हमने देखा श्योर शॉट साइन जो हमको बताते हैं कि हाँ, सरकारी नौकरी लगने के प्रबल योग हैं, 100% चांस हैं। अब दूसरे पार्ट में हम देखेंगे ऐसे साइन जिनसे हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग जाए, लेकिन फिर भी इंसान सरकारी नौकरी अपने दम पे पा सकता है। वो कौन से साइन होते हैं? सबसे पहले ये जो आपकी जीवन रेखा है, ये वाली, ये जीवन रेखा होती है, इससे अगर एक लाइन निकलते हुए आपके बृहस्पति के पर्वत पे चले जाए इस तरफ, तो ये एक प्रबल साइन है कि इंसान एक किंग मेकर की पोजीशन में होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में होता है। सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, डायरेक्ट सरकार में रहकर काम कर सकता है, कोई पॉलिटिशियन बन सकता है, कोई ऐसी पोजीशन जिसमें आप डिसाइड कर रहे हैं कि किसको कौन सी पोस्ट मिलेगी,
ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत एम्बिशियस और बहुत पावरफुल लाइन मानी जाती है। दूसरा, अगर इंसान की जो फेट लाइन है वो एकदम सीधी क्लियर है और उसके ऊपर कुछ लाइनें चंद्र के पर्वत से आके जोड़ रही हैं, काट नहीं रही हैं, सिर्फ जोड़ रही हैं इसको, तो ये एक प्रबल इंडिकेशन होता है कि इंसान गवर्नमेंट में रहकर काफ़ी कुछ काम कर सकता है। तीसरी बात, अगर इंसान का जो अंगूठा है वो चार हिस्सों में डिवाइडेड है, अक्सर सिर्फ तीन देखे जाते हैं, लेकिन अगर आपका अंगूठा चार हिस्सों में डिवाइडेड है और लंबा है, बृहस्पति की उंगली के पहले पोर तक आ रहा है, तो इसको हम लोग मानते हैं एक प्रबल योग सरकारी नौकरी का। अब इन सब चीजों के साथ साथ आपको देखना है आपका जो सूर्य का पर्वत है, जुपिटर का पर्वत है और सैटर्न का पर्वत है, इनमें से तीनों में से किसी पे भी कुछ पॉजिटिव साइन होने चाहिए। जुपिटर पे अगर स्क्वायर का साइन है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, सैटर्न पे अगर त्रिशूल का साइन है तो बहुत अच्छी बात है, सूर्य के माउंट पे अगर स्क्वायर का साइन है तो बहुत अच्छी बात है, या मछली का साइन इनमें से किसी पर होना ये बहुत अच्छी बात है। ये कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो अगर आपका सूर्य थोड़ा कमजोर है उसके बावजूद ये आपको सरकारी नौकरी दिला सकते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिससे अगर आपका सूर्य बहुत वीक है और इनमें से कोई भी साइन आपके हाथ में नहीं है उसके बावजूद आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, ऐसा कौन सा एक रेमेडी है? देखिए, सबसे पहले तो आपके मन में एक क्लियर डिसीजन होना चाहिए बिना किसी कंफ्यूजन के। देखिए, सबसे पहले तो आपके मन में और माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए। दूसरा, आप उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं वो। तीसरा, रेमेडी के तौर पे आप एक दिन में जितनी बार आदित्य हृदय स्त्रोत्र का प्योर संस्कृत में मीनिंग जानने के बाद उच्चारण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका सूर्य होगा और धीरे धीरे आप देखेंगे आपके हाथ में सूर्य की रेखा मजबूत होने लग जाएगी और सूर्य का पर्वत धीरे धीरे उठने लग जाएगा। जितनी बार आप कर सकें, 7 बार, 11 बार, 21 बार, जैसे कुछ लोग प्रण ले लेते हैं कि मैं इतनी बार दिन में आदित्य हृदय स्त्रोत्र पढ़ूंगा, और सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, संस्कृत में उच्चारण सही होना चाहिए, मीनिंग आपको पता होना चाहिए और इमोशंस के साथ आप उसे पढ़ें, तो आपका सूर्य बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो सूर्य को सुबह सुबह उठ के जल दें, ये भी नहीं कर सकते हैं तो सूर्य नमस्कार करें। इन तीन को आप एक दिन में जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करने का प्रण लें और आपका सूर्य मजबूत हो जाएगा। सूर्य का मतलब ही है सरकार और सरकार से लाभ। तो ये थी आज की वीडियो जिससे हमको पता चलता है कि इंसान का सरकारी नौकरी का क्या योग है, क्या स्टेटस है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको अपने हैंड का एनालिसिस करवाना है किसी और क्वेश्चन के लिए तो आप इस वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।